गुड मॉर्निंग ऑल। यहाँ बहुत ठंडा है, रात को बहुत ठंडा था और हम लोग की बस ठंडे से बैंड बची हुई है। और यहाँ से मैं आपको आज मॉर्निंग का व्यू दिखाती हूँ। तो देखिए अभी जो है ना, सब जगह धुंध हुई हुई है, कोहरा है, बट मैं आपको थोड़ा सा इधर का एरिया दिखाती हूँ जहाँ हमने कल रात स्टे किया। तो बच्चे जो हैं ये मस्ती कर रहे हैं। हेलो दीपू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो ये है मेरी सिस्टर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विभा, विभू गुड मॉर्निंग बोलो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी जाएंगे बाहर, बहुत ठंडा हो गया। और कार्तिक उस्ताद, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपको नींद अच्छी आई इधर? यस। ठंडा लगा था? सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी आवर्स। तो ये व्लॉग का पार्ट टू है टिहरी का। अगर आपको फर्स्ट पार्ट देखना है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो हम लोग रेडी होके निकल चुके हैं। अब सबसे पहले हम जा रहे हैं इको पार्क। तो चलिए देखते हैं कहाँ जा रहे हम। बोटिंग करने जा रहे हैं। तो अभी हम फिलहाल हैं नई टिहरी पर, और नई टिहरी पे हम लोग थोड़ा सा ना मार्केट जा रहे हैं, थोड़ा शॉपिंग करने के लिए ऐसे ही, क्योंकि कभी आए हैं यहाँ पे घूमने तो कुछ ना कुछ यहाँ का लेके जाना चाहिए। तो ये साईं चौक है, हम फिलहाल यहाँ से मार्केट में जा रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ का मार्केट भी दिखा देती हूँ। ये अंकल जी बैठे हुए स्माइल कर रहे थे हमें देख के। तो यहाँ से देखिए डाउन स्टेयर्स जो जा रही हैं, ये मार्केट के लिए रास्ता जा रहा है। तो ये नई टिहरी के मार्केट में हम एंट्री हो गए हैं और इस तरह का यहाँ का व्यू है। तो मार्केट में आपको दिखाने वाली हूँ। तो देखिए ज़्यादातर मोस्टली क्या है, वुलन स्टॉक मिलेगा आपको। एक तो यहाँ पे बारह मास ठंडा रहता ही है, तो इसीलिए मोस्टली यहाँ पे वुलन्स का ही आपको स्टॉक देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी अच्छा है, रेट भी रीज़नेबल है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं बाहर घूमने आए हैं तो यहाँ पर आपको बहुत महंगा सामान मिलेगा। इस तरह का नॉर्मल रेट्स हैं जैसे कि मार्केट में होते ही हैं, और काफ़ी अच्छा मार्केट ये बना हुआ है। तो चलिए हम भी थोड़ा सा मार्केट घूम लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो इस मार्केट में बहुत सारे कपड़े की शॉप्स थी, ये स्टेशनरी की शॉप्स थी और टॉयज़ की थी। और टॉयज़ को देख के तो आपको पता है बच्चे कैसे करते हैं, तो उसी तरह से हमारे बच्चों ने भी हल्ला मचाया हुआ था कि हमें ये भी लेना है, हमें वो भी लेना है। तो हमने किसी तरह से मैनेज करते हुए उनको थोड़ा कुछ दिलाया और थोड़ा कुछ टका के हम लोग निकल गए। तो इस तरह का व्यू आप देखिए, ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है आई थिंक, और काफ़ी अच्छा मार्केट है। आप जब भी आएँ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ शॉपिंग करके जाएँ, अच्छा मार्केट है। यहाँ के लोगों को भी पता चलना चाहिए कि कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए। तो शॉपिंग हमारी हो गई है ख़त्म और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं इको पार्क के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली हम इको पार्क पहुँच गए हैं, और ये इसका नाम है वैसे देवी धार पिकनिक स्पॉट। तो आप देख सकते हैं अब हम यहाँ से एंटर हो रहे हैं, और देख के मुझे पता चल रहा है कि कितनी चढ़ाई है। तो व्यू जो है यहाँ से कुछ इस तरह का है और बहुत ही सुंदर है, ग्रीनरी देख के एकदम मज़ा आ गया और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। थोड़ा सा चढ़ाई है यहाँ पे, आगे देखिए तो इस तरह का कुछ यहाँ पे व्यू है। और ये बहुत सारे चीड़ के पेड़ हैं, आई थिंक इन्हें चीड़ का पेड़ ही बोलते हैं, और सॉरी अगर मैंने गलत बताया हो तो, बट आई थिंक इनको चीड़ का पेड़ ही बोलते हैं। तो ये बहुत सारे यहाँ पे पाए जाते हैं, और देखिए इस तरह से ये पूरी स्टेयर्स की तरह देख रहे हैं आप, एकदम मतलब जिगजैग पूरा रास्ता बना हुआ था। तो व्यू देखिए, बस इतनी चढ़ाई हमें चढ़ के जाना है और इतना हम चढ़ के आ चुके हैं। ओह, मैं बिल्कुल भी नहीं चढ़ सकती हूँ इतना ज्यादा। बहुत मुश्किल है, बट व्यू इतना मजेदार है कि जितनी आप चढ़ाई चढ़ रहे हो उसके बाद आपको थकान जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी, इतना ज्यादा बढ़िया व्यू है। वो देखो झूला विभू, व्यू देखिए यार, वाओ। तो
तो यहाँ पार्क में बच्चों ने झूले झूले और काफ़ी इंजॉय किया। और इको पार्क इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये काफ़ी हाइट पर है और आप यहाँ से अगर कुछ भी आवाज़ लगाते हैं तो शायद गूंजती है काफ़ी ज़्यादा आवाज़, तो इस वजह से शायद इसका नाम इको पार्क है। तो कुछ इस तरह का व्यू यहाँ पे था, काफ़ी अच्छा हमें लगा। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं बोटिंग के लिए। तो देखिए रास्ते में हम इस जगह पे एक रुके हैं, यहाँ पे एक मैगी पॉइंट बना हुआ है और यहाँ से डैम दिखाई दे रहा है। देखिए कितना सुंदर डैम दिखाई दे रहा है एकदम, मतलब देख के देख रहे हैं ग्रीनरी, देख रहे हैं आप टीरी लेक है ये और बहुत ही सुंदर जगह है। तो ज़रूर आइए यार, मिस मत करिए इतने बढ़िया प्लेस को। अगर आपको घूमने का शौक़ है तो टीरी ज़रूर आइए। तो कुछ इस तरह का देख सकते हैं आप, ये पहाड़ देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ये वीडियो जो है हमने पुल के ऊपर से मतलब काफ़ी हाइट से बनाई है तो इसी वजह से हम बना पाए हैं। लेकिन आप जो ये नीचे का एरिया देख रहे हैं, इस पूरे एरिया में आप कहीं पर भी फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकते हैं, वीडियो नहीं बना सकते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए। अब यहाँ से मैगी खा के हम जा रहे हैं वोटिंग के लिए, तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं वाटर स्पॉट एरिया में। आप देख सकते हैं कितनी सारी वोट्स यहाँ पर है, तो मैं आपको थोड़ा आगे का एरिया दिखाती हूँ। ये जो इतनी पब्लिक आप देख रहे हैं ना, ये सारी पब्लिक जो है वेटिंग के लिए खड़ी है अपनी अपनी बारी के लिए। और जो बुकिंग है यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रही है, 15 डेज से लोगों ने बुकिंग की हुई है ऑलरेडी, और अभी तक जो बाकी लोग हैं उन लोग का नंबर नहीं आ रहा है। तो ये इतना रश है, हम लोग भी वेट कर रहे हैं, बस सब कुछ प्री बुकिंग चल रहा है, तो एवरीबडी इज़ जस्ट वेटिंग फॉर द टर्न। यहाँ पे जो है ये पर्ची काट रहे हैं, इसकी बोटिंग की पर्ची बन रही है। जो नॉर्मल आप वोटिंग नॉर्मल वोट पे वोट करेंगे उसका चार्जेस है 300, और अगर आप फास्ट वाले उस पे करेंगे उसका आपको 600 पे करना पड़ेगा पर पर्सन। अभी जो है ये टूरिस्ट टाइम चल रहा है इसीलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है। नॉर्मली अगर आप इस टाइम से अदर और किसी टाइम पर आते हैं तो थोड़ा आपको रश कम मिलता है, बट इस टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा रश यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो लाइफ जैकेट पहन के हम लोग सब रेडी हो गए हैं वोटिंग करने के लिए। और ये देखो, और ये वो इंसान है जिसने हमारे वोटिंग के चार्जेस बिल्कुल आधे करा दिए। करूंगी अभी संपर्क करने के लिए इनसे मिले। फिर बच्चे भी हो गए हैं, तो यार इधर दिखाओ अपनी लाइफ जैकेट। ठीक है ठीक है, चैनल में डालेंगे। चार करा दी। हाँ ये वो इंसान है जिसने आठ के चार करा दिए। तो ये हमारी बुआ जी और मेरे देवर जो हैं ये आगे आगे जा रहे हैं और देख रहे हैं, और यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए चेकिंग हो रही है कि आपके पास टिकट है या नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे ये गार्ड खड़े हैं। दीपू इधर आ बेटा, दीपू हाथ पकड़, नाव हिलेगी तब डर लग जाएगी। एक बार पहले करके गई हूँ मैं यहाँ पे आउट वोटिंग, कब ये माइकल भी नहीं तो कराई थी। तो काफ़ी सेफ्टी से अगर आप बच्चों के साथ आए हैं तो बच्चों का बहुत ही ख्याल रखें, क्योंकि ये रास्ता जो है पूरा इस तरह से प्लास्टिक्स के ऊपर बनाया गया है, तो बहुत ध्यान रखना है बच्चों का। तो ये मेरे देवर हैं राहुल, जो कि काफ़ी एक्साइटेड हैं वीडियो को लेके। खुद ही हाँ, अभी तो मैं इसमें दिखा रही हूँ, बस मजा आ रहा है। आप बोलो बढ़िया आ रहा है, फ्लोट हो रहे हैं, फ्लोट। हमारी बोट जो है अभी रेडी नहीं है, अभी किसी और को लेके जा रखे, तो हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी बोट को आने के लिए। तो जब तक हमारी वोट आ रही है हम इस तरह से ये बाकी के जो वोट में राइड कर रहे हैं लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं बैठ के, तो आप भी एंजॉय करिए। देखिए कितना मज़ेदार ये लोग राइड कर रहे हैं, और वाटर देख सकते हैं आप, ये पानी में ये लोग ना पूरा गीले होके आ रहे थे, मतलब मज़ा के साथ साथ सजा ठंडे में पानी से।
हम लोग को तो मज़ा आ ही रहा है और साथ में बच्चे इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और ये सामने आप देख सकते हैं, ये छोटा सा आइलैंड बना हुआ है एक तरह से, तो ये भी एक इनका व्यू पॉइंट है। बोटिंग के लिए आप जाते हैं तो यहाँ पे थोड़े थोड़े व्यू पॉइंट से दिखाते हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि आपका एकदम पैसा वसूल राइड है। अगर आप एक बार यहाँ पे आके इसमें राइड करते हैं ना, तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि मैंने इतना ज़्यादा पैसे दिए और मज़ा नहीं आया, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इस पुल को देखने का मज़ा सबसे ज़्यादा शाम को है, क्योंकि शाम को इसमें बहुत अच्छी कलरफुल लाइट जलती है और बहुत इंजॉय करते हैं लोग यहाँ पे। बहुत ज़्यादा पब्लिक आती है शाम के टाइम, बहुत लोग फोटोज क्लिक कराने के लिए आते हैं और काफ़ी दूर दूर से लोग इस पुल को स्पेशली देखने। तो ये है यहाँ का डोबरा चांडी पुल। पुल है अभी फिलहाल रौनक बना हुआ है। कितने बजे से लाइटिंग शुरू होती है भैया यहाँ? 7:30 बजे से। अच्छा, तो 7:30 बजे से यहाँ पे लाइटिंग शुरू हो जाती है और बहुत ही सुंदर कलरफुल लाइट्स जलती है और शाम के टाइम बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पे रश आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ का फिलहाल व्यू, बहुत मजा आ रहा है। Okay.
तो गाइज हम लोगों ने चेंज किया क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा भीग चुके थे, और वोटिंग जब हम वोट से सीधा जा रहे थे ना, तब जाते हुए तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब वापस टर्न होके आए, यानी कि जिस तरफ से हवा चलेगी उसी साइड से आपके ऊपर पानी आएगा, तो एक एक्स्ट्रा पेयर ज़रूर लेके जाए जब भी आप वहाँ वोटिंग करने जाते हैं। तो आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं, और अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आगे भी बहुत सारा घूमने वाले हैं। और अब वापस हम निकल चुके हैं घर के लिए, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम हैप्पी आवर्स में। बाय बाय।